हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है हेल्दी इंडिया हेल्दी वर्ल्ड। दोस्तों, आजकल स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रोज़ाना स्वाइन फ्लू की बीमारी के कारण अनेक पीड़ित मरीजों की मौत हो रही है, क्योंकि इन्हें स्वाइन फ्लू के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में पता नहीं है। स्वाइन फ्लू की बीमारी H1N1 वायरस के फैलने के कारण होती है। H1N1 सांस लेने पर लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह संक्रमित हो जाते हैं। मौसम बदलने के कारण ये बीमारी फैलती है और इसके लक्षण इस तरह हैं। जब इस रोग के से संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो इसके कीटाणु जगह जगह फैल जाते हैं, और जो ठीक व्यक्ति होता है वो सांस लेता है तो वो भी चपेट में आ जाता है इसकी। और जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल, तकिया, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी चीज़ों पर भी ये कीटाणु हो सकते हैं। सबसे पहले बुखार आता है, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जब ये बीमारी लग जाती है। तो आयुर्वेद में इस स्वाइन फ्लू का सरल और अचूक उपाय है। ये उपाय बचाव और इलाज दोनों में काम करता है, जो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होगी, एक देसी कपूर और इलायची, छोटी इलायची जो होती है। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, 5-5 ग्राम होगी, और ये इन दोनों को कूट लेंगे। ये देखिए 5 ग्राम ले लें और इन्हें कूटें, बिल्कुल अच्छे से कूट लें इन दोनों को। कूटने के बाद देखिए इस तरह हो जाएगा ये। अब जो ये कूट लिया है, इसको एक सूती कपड़े पर इसको लेना है। सूती कपड़े में इसको बांध लेंगे और एक पोटली बना लेंगे। ये देखिए सूती कपड़ा होना चाहिए साफ सुथरा। ये देखिए इस तरह सूती कपड़े में पोटली बना लेंगे इसका, और इसको अपने पास रख लेंगे और हर 1-2 घंटे में इसको सूंघते रहेंगे। इससे स्वाइन फ्लू के कीटाणु मर जाएंगे और अगर स्वाइन फ्लू की बीमारी होगी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब पर जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।